नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं स्नेहा आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद ओमिक्रॉन का खतरा दुनिया में किस स्तर तक बढ़ गया है, ऐसे में ओमिक्रॉन के केस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में यह कोरोना को भी पीछे छोड़ देगा। ओमिक्रॉन की दहशत पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसके चलते सरकार भी लोगों के सेफ्टी के लिए कदम उठा रही है। आइए जानते हैं विस्तार से ओमिक्रॉन के रिपोर्ट के बारे में और सरकार के गाइडलाइंस के बारे में। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश 11 राज्यों में 101 ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि यह ओमिक्रॉन के ज्यादातर केस ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों के जरिए आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देख केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। बात करें दूसरे देशों की तो स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में ओमिक्रॉन हावी हो गया है और वहाँ के हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जो लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं उनमें लक्षण हल्के दिखे हैं और अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत बहुत कम है। अब बात करें ओमिक्रॉन की रिपोर्ट की तो अरुणाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक नया मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस मिले हैं, यहाँ कुल 32 मामले दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 और मामले मिले हैं। गोवा में ब्रिटेन से लौटे 3 नागरिकों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब बात करें सरकार के गाइडलाइंस के बारे में तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस देख मुंबई सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है। वहीं पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले वनडे सीरीज की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वेस्टइंडीज के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके चलते अब यह वनडे सीरीज जून 2022 में होगा। ओमिक्रॉन के दहशत के बीच मिस वर्ल्ड 2021 का फिनाले स्थगित कर दिया है, जिसकी वजह से सभी पार्टिसिपेशन को आइसोलेशन में रखा गया है। नए वेरिएंट के कई मामले मिलने पर छात्राओं के माता पिता स्कूल बंद करने के समर्थन में हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देख पुडुचेरी सरकार ने पुडुचेरी में 2 जनवरी तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है।